हेलो गाइस वाट अप आई होप यू आर डूइंग फाइन दिस इज़ मी मीर वहीद एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ वर्ल्ड जोग्राफी दैट इज़ मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज ऑफ डब्ल्यू एस एकेडमी वन ऑफ़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन ठीक है अगर आपको वी एल डब्ल्यू का फुल कोर्स वॉच करना है वी एल डब्ल्यू का फुल कोर्स वॉच करना है या जे के एस टू जीरो टू थ्री जे के एस टू ज़ीरो टू थ्री का बैच चल रहा है और वी एल डब्ल्यू का फुल कोर्स जो है वो भी चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हो इन कोर्सेज में और जे के पी एस आई का भी बैच चल रहे हैं उन बैच के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो डब्ल्यू एस एकेडमी ऐप डाउनलोड करने हैं जो कोर्स आपको बाई करना है आप स्टोर में चले जाओगे वहां पर वी के ऊपर क्लिक करना है उसको बाई कर सकते हो आप जे के SI का भी आप ले सकते हो जे 2023 का भी कोर्स आप बाय कर सकते हो ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं कल मैंने आपको जो बताया था वो है हमारे पास वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में मैंने ओशंस के बारे में पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन इंडियन ओशन मैंने कवर किया है उसके बाद आर्टिक ओशन की भी बात करेंगे ये भी मैंने कवर किया है इम्पोर्टेंट ओशन ट्रंच के बारे में बताया था कौन सा ट्रंच कहाँ पर है किस आ, आ, किस ओशन में है ये भी बताया मेजर सीज के बारे में मैंने आपको बताया आज का टॉपिक जो है इस यहाँ से इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सबसे पहले स्ट्रेट का मतलब होता है जैसे कि अगर आपने ये इंडिया का मैप देखा होगा आपने विजुलाइज किया होगा और ये श्रीलंका यहाँ पर है ठीक है ये मैंने श्रीलंका बनाया और यहाँ पर जो है बी ओ बी का मतलब बे ऑफ बंगाल एर एस का मतलब होता है अरेबियन सी ध्यान से आप देखोगे स्ट्रेट का मतलब होता है एक नैरो चैनल होती है वाटर की चैनल होती है ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ना ये नैरो चैनल है जो कनेक्ट किसको करता है दो लार्ज वाटर बॉडीज को दो लार्ज वाटर बॉडी कौन से बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट किया जाता है किसके साथ अरेबियन सी के साथ ये होता है स्ट्रेट क्लियर हो गया स्ट्रेट का डेफिनेशन आपको याद रखना है ए नैरो चैनल कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेट ये स्ट्रेट होती है या इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो एक नैरो चैनल जो क्या करता है जो सेपरेट करता है दो लैंड मास को मतलब ये इंडिया को सेपरेट करता है श्रीलंका से ठीक है इंडिया को सेपरेट किससे करता है श्रीलंका से ये भी डेफिनेशन होती है स्ट्रेट की आई होप ये स्ट्रेट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा इन्हीं स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे किस किस लैंडमार्क के बीच में है किस किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है उसको हम क्या नाम बोलते हैं आपने पढ़ा होगा पालक स्ट्रेट आपने पढ़ा है इसी तरीके से आपने देखो रेड सी को कनेक्ट करता है किसके साथ गल्फ ऑफ एडन के साथ तो इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाबल मैंडब ठीक है यहाँ बोल सकते हैं पालक स्ट्रेट का मतलब मैंने बोला एक वाटर एक नेहरू चैनल मतलब

किसके साथ अरबियन सी के साथ या गल्फ ऑफ मनार भी आप बोल सकते हैं अरबियन सी के साथ आप बोल सकते हो ठीक है भैया बंगाल को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मनार के साथ या यू कैन से बे अरबियन सी के साथ ये सेपरेट किसको करता है इंडिया को श्रीलंका से या श्रीलंका को इंडिया से ये आपको पता होना चाहिए इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंडप में अभी मैपे भी दिखाऊंगा आपको बहुत सारे मैप्स भी हैं गूगल पर आप जा सकते हो आपको मैप्स मिलेंगे लेकिन विजुलाइज किस तरीके से करना है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड राइट तो लेट सी अबाउट द स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंडप स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप सेपरेट रेड सी फ्रॉम गल्फ ऑफ एडन अब आप बोलोगे सर इतने स्ट्रेट्स किस तरीके से याद रहेगा इसको कोड के हिसाब से याद रखना है ठीक है ठीक है याद रखना है बाबुल ये रेड सी को कनेक्ट रेड सी को सेपरेट करता है गल्फ ऑफ एडन के साथ या ये सेपरेट करता है यमन को कहाँ से जबोटी से सेपरेट करता है ठीक है फ्राम जबोटी एंड इरिट्रिया इरिट्रिया अफ्रीका में दैट इज एशिया को अफ्रीका के साथ सेपरेट करता है यह क्वेश्चन पूछा भी गया है अभी मैं दिखाऊंगा मैं आगे आपको फिलहाल आप इतना ही याद रखो बास स्ट्रेट बास जो होता है ये पैसेफिक ओशन ठीक है ज्वाइनिंग वाटर बॉडी यह पैसेफिक ओशन को ज्वाइन करता है अभी दिखाऊंगा मैं तस्मानियन फ्राम द ऑस्ट्रेलिय मेनलेटमानिया को ऑस्ट्रेलियन मेनलेट से क्या करता है सेपरेट बियरिंग स्टेट ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया जेके एस टू जीरो टू टू प्री में बेयरिंग सी के आसपास जो है क्वेश्चन बनता है तो याद रखना बेयरिंग स्ट्रेट जो है ये ज्वाइन करता है बेयरिंग सी जो पेसिफिक क्वेश्चन में है और किसको आर टी क्वेश्चन को मतलब पैसेफिक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखूंगा ये मैंने बना लिया आ, इसको किसको आर्टी क्वेश्चन ये मैंने सॉरी ये मैंने बना लिया यहाँ पर आर टी ये मैंने आर्टी क्वेश्चन बना लिया ठीक है ए ओ आर्टे क्वेश्चन और ये मैंने क्या बना लिया बैरिंग सी मैंने बना लिया इसको ये कनेक्ट करता है इस तरीके से आप याद रख सकते हो यहां इस तरीके से बोल सकते हो रेशिया फ्रॉम अलास्का अलास्का यूएसए का पार्ट है ये आपको याद रखना है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है अलास्का या यूएसए का पार्ट है और ये इसको सेपरेट करता है रेशिया से ये भी दिखाऊंगा मैं पालक स्टेट आपको मैंने बोला है ठीक है गिब्राल तर जो होता है ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है ठीक है गिब्राल जो है अटलांटिक ओशन को मेडिटेर सी के साथ कनेक्ट करता है क्योंकि मेडिटेर सी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम फिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी जो है मेडिटेरेन क्लाइमेट जनरली आप पढ़ते हो जब मेडिटेरेनियन सी से ही कोल्ड विंड आ, जा, आ जाते हैं विंटर में ठीक है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हो फिर वो इंडियन इंडिया के नॉर्थ रीजन में आ जाता है फिर बारिश वारिश होती है जो कि इंपॉर्टेंट होता है नॉर्थ इंडिया की कल्टिवेशन के लिए ठीक है ये सेपरेट करता है स्पेन स्पेन यूरोप का पार्ट है और मराको अफ्रीका का पार्ट है इसको सेपरेट कर मलाका स्ट्रेट पैसिफिक ओशन को ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है मलेशिया को किसके साथ सुमात्रा के साथ सुमात्रा आइलैंड आपने पढ़ा होगा इसी तरीके से यहां पर पैसिफिक ओशन को ईस्ट विद ठीक है यह मैं अभी आप बताऊंगा आपको सुंदर आइलैंड की बात करेंगे इंडियन ओशन को जावा के साथ सेपरेट तो सेपरेट करता है टेन डिग्री चैनल जो होता है ये बे ऑफ बंगाल को इंडोमान निकोबार से कनेक्ट करता है याद रखना टेन डिग्री चैनल बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल टू तो इंडोमान निकोबार या आप इस तरीके से बोल सकते हो इंडोमान एंड निकोबार को इंडोमान को सेपरेट करता है निकोबार से आपने देखोगा इस तरीके से अपने इंडोमान निकोबार पढ़ते हो ना फिर बीच में लाइन होती है यहां पर पढ़ते हो ये इंडोमान है और निकोबार यहां पर टेन डिग्री चैनल तो ये क्या करता है ये सेपरेट करता एंडोमान को निकोबार से या आप ये भी बोल सकते हैं बंगाल को कनेक्ट करता है एंडोमान के साथ इस तरीके से बोल सकते नाइन डिग्री चैनल इंडियन ओशन में देखने को मिलती है डेनमार्क स्ट्रेट एटलांटिक इस तरीके से तो फ्लोरिडा स्टेट ये मैक्सिको को एटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है आ, कोरिया स्टेट कभी नहीं पूछा गया है हरमोज स्टेट क्वेश्चन पूछा गया है गल्फ ऑफ ओमन एंड पर्शियन गल्फ क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट, वेस्ट एशिया जनरली जिसको बोला जाता है उस पर ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं या इसको अब मिडल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इंडिया के हिसाब से होता है वेस्ट एशिया ठीक है तो वहाँ से मिडल ईस्ट भी आप बोल सकते हो ठीक है यूरोप के परस्पेक्टिव के हिसाब से हरमो स्ट्रेट गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ अभी दिखाऊंगा यू को कनेक्ट करता है किसके सेपरेट करता है ईरान से ठीक है नॉर्थ चैनल देखेंगे हम डेविस स्ट्रेट जमाया ठीक है जमाया चैनल एंड हुडसन स्ट्रेट अब मैं आपको मैप पे लेकर जाऊंगा वहां पर ही हम चीज़ों को देखेंगे अभी एक और इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फाइव स्टार वाले फैक्ट्स हैं इनको आपको पूरा याद रखना है स्ट्रेट दैट सेपरेट एशिया फ्रॉम अमेरिका इसको बोलते हैं बैरिंग स्ट्रेट याद रखना है एशिया को अमेरिका से सेपरेट करना मैंने आपको पहले बोला है ठीक है एशिया का कौन सा वाला पार्ट रेशिया अमेरिका कौन सा वाला पार्ट मैंने बोला था अलास्का दैट मीनस रेशिया को अलास्का से सेपरेट करते तो इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं या इन जनरल इस तरीके से बोलते हैं एशिया को अमेरिका से सेपरेट करता है मतलब अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका स्ट्रेट दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका क्योंकि ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है ठीक है एक जैसे कि अगर मैं वर्ल्ड मैप ये बनाऊंगा वर्ल्ड मैप बनाऊंगा ये मैंने यहाँ पर यूरोप बना लिया ये मैंने यहाँ पर एशिया बना लिया ये मैंने नॉर्थ अमेरिका बना लिया इस तरीके से ये मैंने साउथ अमेरिका बना लिया ये मैंने अफ्रीका बना लिया ये मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया बना लिया ठीक है रफली दिखा रहा हूँ आपको समझ आना चाहिए ये ड्रॉप कप कैंसर आंसर मैंने यहाँ पर ड्रा किया ठीक है अब देखो ठीक है ट्रॉप कैंसर इक्वेटर मैंने ड्रा किया ये ये का का कैप्रिकॉर कैंसर है और ये कार, है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कन, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, हाँ अब यहां पर देखो आ, मैं आपको दिखाता हूं देखो ये हो गया आपको ये हो गया आपका यूरोप ये हो गया यूरोप आपका ये हो गया अमेरिका आपका यहाँ पर एक स्ट्रेट है इसको आप शेयर स्ट्रेट को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट हो गया क्लियर हाँ सर क्लियर हो गया इसी तरीके से आप देखो यूरोप को अफ्रीका के साथ ये अगर यूरोप है ये अगर यूरोप है ना ये अगर यूरोप है ये अफ्रीका है ये वाला अफ्रीका है तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको बोला जाता है गिब्राल तर। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को तस्मान सी के साथ ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर तस्मान सी है यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं हम कौन सा स्टेट बाह स्टेट याद रखना बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के आसपास है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मालिया पेनिनसुला को इंडोनेशिया से सेपरेट करता दिखा दूंगा वाइडेस्ट स्ट्रेट जो है वो डेनमार्क स्ट्रेट है याद रखना ये की पॉइंट से जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लेक्स भी हम देखेंगे कौन कौन सा लेक है सारी चीजें देखेंगे डीपेस्ट लेक कौन से लेकिन सबसे पहले हम मैप्स के ऊपर आ जाते हैं ठीक है मलाका स्ट्रेट देखो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है आप नेट पे जाकर सर्च करोगे स्ट्रेट्स को आपको सीधे दिखाया जाएगा लेकिन मैंने आपको इसका एक आइडिया दिया आपको अब मैं आपको मैप्स के थ्रू प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जैसे कि मलाका स्ट्रेट एक स्ट्रेट मैंने बताया था आपको ये ज्वाइन करता है इंडोमान सी को साउथ चाइना सी के साथ और यहां पर इंडोनेशिया को मलेशिया के साथ कनेक्ट करता है जैसे मैंने बोला था माल्या लिखा था वहां पर ठीक है इसी के बारे में हम देखेंगे अगर आप यहां पर देखोगे ये यहां पर एरो डाल के यहां पर दिया गया है मलाका स्ट्रेट इसको देखो यहां पर आप देखो ये मलेशिया वाला पार्ट है कौन सा वाला पार्ट मलेशिया

रेड वाली रेड से दिखाऊंगा ये वाली स्ट्रेट और इसी को नाम दिया जाता है हम ये होता है पालक स्ट्रेट और यही क्या करता है बे ऑफ बंगाल को किसके साथ अरेबियन सी के साथ कनेक्ट बे करता है और यू कैन से बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है किसके साथ आ, क्या बोलते हैं गल्फ ऑफ मनार के साथ इसको कनेक्ट करता है यहां तक ऑलरेडी क्लियर हो गया आपको हाँ सर क्लियर हो गया है डिड यू अंडरस्टैंड पालक स्टेट मैंने आपको देखा आप देखो फिर से पालक स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हो पालक स्टेट में क्या दिया गया है आप यहां पर देखो ये अपना इंडिया हो गया है और ये यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया है और यहां पर आप देखो ये गल्फ ऑफ मनार एक्चुअली यहां पर है और ये जो डॉट डॉट लाइन जो है ये जो है इसी को बोल रहा है पालक स्ट्रेट याद रखना है अब देखो पालक स्ट्रेट का मैंने दो लैंड लैंडमार्कस को सेपरेट करता है या दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है आगे चलते हैं आगे चलते हैं सुंदा स्ट्रेट या सुंडा स्ट्रेट जो मर्जी है बताओ जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है इसके लोकेशन इंडोनेशिया में क्वेश्चन तो पूछा तो जाता है ये एक स्ट्रेट है आप देखो यहाँ पर एक सी है जिसको बोलते हैं जावा सी और यहाँ पर एक ओशन है जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन और ये क्या करता है ये इसको कनेक्ट करता है देखो एक नैरो वाटर चैनल है ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और यू कैन से दो लैंड मार्क्स को सेपरेट करता है जावा को सेपरेट किससे करता है सुमात्रा से सेपरेट करता है ये भी इसी को नाम दिया जाता है ये भी स्ट्रेट है उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम चलेंगे इंपॉर्टेंट uh, इंपॉर्टेंट जो है पहले सो so दैट आप इसको प्रायोरिटाइज करोगे हाँ बाबल दप, हा, है हॉट टॉपिक है ये बाबल मैंडप क्यों बाबल मैंडप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेस्ट एशिया के वेस्ट एशिया के साथ कनेक्ट है इसलिए यहाँ पर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन आप देखो यहाँ पर यहाँ पर एक स्ट्रेट है ये वाली स्ट्रेट जो है ये वाला लिखा भी है इसको बाबल मैंडप ठीक है इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ सो देट यू कैन सी इट ठीक है ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन है दो लार्ज वाटर बॉडीज हैं इसको एक नैरो चैनल आप यहां पर देखो जिसको बोलते हैं बाबल मेंडप ये हो गया एक क्वेश्चन तो ये बनता है इसका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है ये हो गया अफ्रीका अफ्रीका का कौन सा वाला पार्ट आप बोलोगे इथोपिया इथोपिया आप बोल सकते हो ये वाला यहाँ इथोपिया नहीं बोलो इथोपिया से आगे है इथोपिया से आगे है जिसको बोलते हैं जबोटी यहाँ पर देखो जबोटी जो है ये अफ्रीका का पार्ट है और ये जो है ये एशिया का पार्ट है एशिया का कौन सा वाला यमन तो दैट मीन्स ये दो लैंड मासस को भी सेपरेट करते हैं किस किस लैंड मास को आप बोलोगे यमन को जबोटी से सेपरेट करता है और यू कैन से रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन के साथ और ये हो गया बाबल हा मैंडप क्वेश्चन ये ज़्यादातर बन जाता है कि रेड सी कहाँ पर है और आप बच्चों को ये भी पता नहीं चलता कि रेड सी कहाँ पर होती है आप देखोगे रेड सी फिर एक चैनल हो क्रॉस करना पड़ता है फिर आप गल्फ ऑफ एडन में आ जाते हो ठीक है क्लियर हो गया कुक स्ट्रेट कुक स्ट्रेट इंपोर्टेंट है कुक याद रखना कुक जो है ये कहाँ का होता है आप बोलना ये इंग्लैंड का इस तरीके से आप याद रख सकते हो कुक स्ट्रेट की बात करो यहाँ पर देखिए यह कुक स्ट्रेट है ये वाली स्ट्रेट जो है कुक स्ट्रेट ये क्या करता है ये नॉर्थ आइलैंड जो होता है और साउथ आइलैंड को क्या करता है ये सेपरेट करता है इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं इसी तरीके से मोजम्बी क्यू स्ट्रेट मोजम्बी क्यू स्टेट इंपॉर्टेंट है मेडागास्कर मेडागास्कर जो आपने साउथ अफ्रीका देखा होगा ये साउथ अफ्रीका अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ मैप्स थोड़ा सा आपको आना भी चाहिए इस तरीके से है ना इरेटेरिया ये मैंने साउथ अफ्रीका बनाया और यहां पर आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं मेडागास्कर जैसे आप इंडिया हो ना यहां पर आप देखोगे एक ऐसा लैंडमार्क जो श्रीलंका है यहां पर मेडागास्कर है किसके साथ आप बोलोगे सर मेडागास्कर जो है ये साथ है सॉरी गाइस ये आ... अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ ही ये मेडागास्कर है इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोला जाता है मोजम्बिक्यू स्ट्रेट बोला जाता है ये देखो ये मेडागास्कर है और ये जो देखो ये वाला पार्ट जो है ये एक्चुअली पूरा साउथ ये पूरा अफ्रीका है लेकिन यहाँ पर पूरा इसने नहीं दिखाया यहाँ पर एक चैनल है जिसको बोलता है मोजम्बिक्यू चैनल ये भी आप देख सकते हो मेडागास्कर के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रॉपिकॉफ कप्रिकॉर्न पास इस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है ये क्लियर हो गया नॉर्थ चैनल की बात करेंगे नॉर्थ चैनल आप यहां पर देख सकते हो आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन के थ्रू ठीक है <coughs> ये कनेक्ट किसको करता है नॉर्थ चैनल आप बोलोगे सर नॉर्थ चैनल जो है एक सेकंड सॉरी ये नॉर्थ चैनल किसको कनेक्ट करता है आप बोलोगे एटलांटिक ओशन को किसके साथ कनेक्ट करता है आयरिश सी के साथ आप देखो यहाँ पर एक चैनल मैंने बना ली इन दो को कनेक्ट करता है यहाँ आप इस तरीके से भी बोल सकते हो यहाँ पर यूके हैं यूके यूनाइटेड किंगडम जो बोलोगे यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर जो है आयरलैंड को कनेक्ट करता है ठीक है नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड को क्या करता है सेपरेट करता है नॉट कनेक्टेड उसके बाद आगे चलते हैं जो जो आपको बास स्ट्रेट मैंने आपको बोला था बास ऑस्ट्रेलिया में जाओ तस्मानियन सी और साउथ सी की बात करेंगे क्वेश्चन पूछेगा बास स्ट्रेट कहां पर आपको सीधे बोलना है सर ऑस्ट्रेलिया में यहां पर आप देखो ये ऑस्ट्रेलिया है ये हो गया क्लियर और मैंने क्या बोला था एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं हम बास स्ट्रेट ठीक है अब यहां पर देखो ये क्या है ये हो गया बास स्ट्रेट और ये बास स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है आप बोलोगे सर ये अगर आप स्ट्रेट बता रहे हो ना ये स्ट्रेट आपने बना ली तो ये हो गए ना इंडियन ओशन और ये हो गए ना तस्मानियन सी इस तरीके से भी आप बोल सकते हो ये क्या करता है ये इनको कनेक्ट करता है यहाँ आप इस तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मैप पर फिर से और चीजें दिखाऊंगा जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है वो हैं आपका जो ग्रेट बेरियर रीफ जो है कोरल रीफ सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और ये कहा आपको बोलना है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में पाया जाता है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है यहां पर एक सी भी है जिसको कोरल सी बोला जाता है और ये ग्रेट बेरियर रीफ जो है ये क्या है ये एक कोरल रीफ का टाइप है आपने पढ़ा होगा एटोल्स होते हैं ठीक है बेरियर रीफ्स होते हैं ठीक है और कौन से रिफ्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्स होते हैं ठीक है तीन रिफ्स हैं यहाँ पर मुझे एटॉल्स और बेर रिफ समझ आता है याद आ रहा है ठीक है ये हो गया कलियर इस तरीके से आगे चलते हैं बेरिंग स्ट्रेट जेके एस में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी बेरिंग सी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ये यह यहाँ पर आप देखो ये बेरिंग स्ट्रेट है मैंने आपको पहले बोला है ये रेशिया को किसके साथ कनेक्ट कर सेपरेट करता है ये सेपरेट करता है यू एस जो अमेरिका है उसका अलास्का पहले अलास्का रेशिया का ही पार्ट है पार्ट था लेकिन फिर रेशिया ने इसको जो है यू को दे दिया अमेरिका को दे दिया अभी अलास्का यूएसए का पार्ट है तो ये अलास्का को सेपरेट करता है किससे रेशिया से सेपरेट करता है ये बात आपको समझ आ गई हाँ सर समझ आ गया है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट

उसके बाद स्ट्रेट बॉसफोरस नहीं बॉस ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा के साथ कनेक्ट करता है आप देखो ये ब्लैक सी क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रीज फार्मिंग बॉर्डर विद द ब्लैक सी सी ऑफ मारमारा मारमारा सी ये एक चैनल है जो इसको क्या करता है कनेक्ट करता है ब्लैक सी को मारमारा के साथ और यू कैन से इट सेपरेट यूरोप किससे एशिया से सेपरेट से होता है ठीक है समझ आ रही है यहां पर आप टर्की देख सकते हो इसका कैपिटल इस्तांबुल यहां पर आप देखो और ये भी टर्की का ही पार्ट है आप देखो टर्की एक ऐसी कंट्री है जो आपको एशिया में भी देखने सॉरी जो आपको एशिया में भी देखने को मिलेगा जो आपको यूरोप में भी देखने को मिलता है आपको पता होने चाहिए दो कंट्रीज हैं जो कि एशिया में भी हैं और कुछ पार्ट यूरोप में भी हैं तो क्वेश्चन आपके लिए ये बनता आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है एक तो मैंने टर्की का नाम बताया एक और कंट्री है जिसका नाम आपको बताना है जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है मेरी बात समझ आ रही है ये आपको यहाँ पर बताना है तो इसीलिए आपको याद रखना है टर्की जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मैप से ही आपको समझ आएगा यूरोप और एशिया में है यहाँ पर देखो एक <coughs> स्ट्रेट है लेकिन बीच में जिसको ब्लैक सी नाम दिया जाता सॉरी जिसको बॉस बासफोरस स्ट्रेट बोला जाता है पोरस स्ट्रेट ठीक है आ, ये हो गया hmm, हां यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो ये टर्की है यहां पर आप देखो टर्की है यहां पर ठीक तो है यहां पर एक सी है जिसको बोलते एजेंसी क्वेश्चन पूछा जाता है एक सी है एक सी तो इस तरीके से आपको एक ऑर्डर में पूछा जाता है नॉर्थ में कौन सा साउथ में कौन सा देखो सी ऑफ मारमारा ऊपर है ये इसके नीचे है तो ये हो गया नॉर्थ में ये हो गया आपके साउथ में ठीक है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका यहां पर नहीं बनता है यहां पर बहुत सारे आपको सी सॉरी क्वेश्चन बनते हैं ठीक है डेविस स्ट्रेट आप देख सकते हो डेविस हम्म डेनमार्क स्ट्रेट जनरली डेनमार्क आप देख सकते हो यहां पर ये यह सेपरेट किसको करता है ये को सेपरेट करता है आइसलैंड से ये सेपरेट करता है या आप ये बोल सकते हो यहां पर आर्टिक ओशन जो है इसको यहां पर कनेक्ट करता है ठीक आगे चलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट ठीक Denmark Street Dover Street

फ्लोरिडा स्ट्रेट जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको हर स्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे हर स्ट्रेट आप देख सकते हो गल्फ ऑफ परसिया को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है आप देखो यहां पर गल्फ ऑफ परसिया ठीक है हर स्ट्रेट ये मैंने हरमोज स्ट्रेट बना लिया ये बना ली मैंने हरमोज स्टेट और ये हरमोज स्टेट देखो ये किसको कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी मतलब ईरान को ओमान से सेपरेट करता है इस तरीके से देखो ये पूरा ईरान है ये वाला पूरा ईरान है और ये ईरान को किससे सेपरेट करता है अलग करता है यू ए ई के साथ यूनाइटेड अरब एमीरेट ठीक है हुडसन स्ट्रेट मैंने आपको बताया है लेकिन स्ट्रेट में आपको क्या देखना है हुडसन गल्फ ऑफ हुडसन को एटलान्टिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है कनाडा में हुडसन स्ट्रेट आप देखो यहाँ पर हुडसन स्ट्रेट ये वाला जो है ये हुडसन स्ट्रेट हो गया और ये हुडसन स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है एक सी है जिसको बोलते हैं एटलांटिक सॉरी ओशन है जिसको बोलते हैं एटलांटिक ओशन ये आप बोल सकते सी लेकिन लार्ज लेवल पर ऑफ ओशन याद रखो और एक बे है जिसको बोला जाता है वो हुडसन बे ठीक है या गल्फ ऑफ हुडसन ठीक है और यहाँ पर आप देखो डेनमार्क डेनमार्क स्ट्रेट भी आपको देखने को मिले यहाँ पर देखो डेविस स्ट्रेट भी आपको देखने को मिलता है ठीक है तो ये इसको इससे सेपरेट करता है डेविसट ये इसको इससे सेपरेट करता है आप देखो इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर देखो ये वाली स्ट्रेट जो है ना हरमो स्टेट ये इसको इसके साथ कनेक्ट करता है इस तरीके से ये देखो आपको ये इसको इसके साथ कनेक्ट करता है या इसको इसके साथ सेपरेट करता है इस तरीके से डेविस स्ट्रेट देखो ये इसको इसके साथ सेपरेट करता है या इसको इसके साथ कनेक्ट करता है समझ आ रहा है जिब्राल्टर क्वेश्चन पूछा जाता है या जिब्राल्टर भी आप बोल सकते हो इसको ठीक है सी को ओशन के साथ ये इसको स्टार वाला लगा लोगे अब बस और कुछ नहीं करना है समझ आ रही बात ये हमने कहानी नहीं पढ़नी है यहाँ पर सिर्फ हमें दिखाना है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जो रालतर ये आप देखोगे ये अफ्रीका का कौन सा वाला पार्ट है आप बोलोगे ये मोरको वाला पार्ट है ठीक है और ये अफ्रीका को किससे सेपरेट करता है यूरोप के साथ यूरोप का कौन सा वाला पार्ट स्पेन और मराको अफ्रीका का पार्ट है ये आ तो ये इस तरीके से बोल सकते एटलान्टिक्शन को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ गिब्राल अब आपको याद रखना ए हो गया एटलांटिक एस हो गया सॉरी जी ए हो गया एटलांटिक जी हो गया गिब्राल और एम हो गया मेडिटेरियन ठीक है इस तरीके से ए जी एम भी A, G, M, B याद रख सकते जी एम ई गेम भी याद रख सकते जी एम ई आपको सीधे समझ आना चाहिए ए हो गया ओशन जी हो गया एम हो गया मेडिटेरियन सी और जी हो गया गिब्रालतर इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो ठीक है ठीक है ये जितना भी मैंने आपको बोला बस आपको यही याद रखना है बाकी जो है ये चीजें आपको याद नहीं रखनी क्योंकि क्वेश्चन आपका जहां जहाँ से बनता है वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है समझ आ गया कोरियन स्टेट यहाँ पर नहीं जाना आपको जमाए का स्ट्रेट मैंने आपको बोला था आप देखो जमाए का चैनल जिसको बोला जाता है यहाँ पर आप एक स्ट्रेट देखो यहाँ पर इसको बोला है जमाई का स्ट्रेट ठीक है ये कैरेबियन सी को कनेक्ट करता है नॉर्थ एटलांटिक के साथ ये देखो यहाँ पर कैरेबियन सी को कनेक्ट करता है किसके साथ नॉर्थ एटलांटिक के साथ ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है टेन डिग्री चैनल आपको पता है टेन डिग्री चैनल क्या करता है ये जेके एस में काफ़ी बार पूछा गया टेन डिग्री चैनल एक होता है एंडोमान एंड निकोबार आईलैंड लेकिन उसमें से एक सी है जिसको बोलते हैं एंडोमान सी और हमारे पास है बे ऑफ बंगाल जनरली हम जनरली ये बोलते हैं ये आप देख सकते हो ये क्या करता है यहाँ पर ये आप देख सकते हो एंडोमान को सेपरेट करता है किसी निकोबार से

ठीक है बाली नहीं पूछा जाता है इस्तमस तो जो है ये दूसरा कॉन्सेप्ट एक है ठीक है आई होप ये आपको समझ आया होगा जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स मैंने बताए गिब्राल तर्म बाबल मैंडप हरमोज मलाका स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट ठीक है और स्यूज कैनाल और पनामा चैनल ये आपको पता होने चाहिए इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्स में पूछा जाता है आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई होगी ये मैंने नेट से ये डायग्राम्स ले लिए हैं आप नेट पे देख सकते हो मैप पे भी देख सकते हो एटलस पे भी देख सकते देखने यहाँ पर एटलस अटैच नहीं कर पाते ठीक है तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से चीज़ों को कवर करना अगर आपको इस सेक्शन अच्छा लगा बोलो यस सर यस सर हमें बहुत अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मैंशन करो और शेयर भी करो ज्यादा से ज़्यादा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ अगर आपको फुल कोर्स लेना है जे के एस एस बी का वी एल डब्ल्यू का फुल कोर्स आप बाई करो कोर्स को देखो अभी वो कोर्स चल रहा है अभी एग्जाम को भी टाइम है कोर्स आप देख लो स्टार्टिंग से एंड तक आपको एक प्रॉपर तरीके में प्रोवाइड किया गया कंटेंट जे एके एस टू जीरो टू थ्री के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैं सजेस्ट करूँगा ज्वाइन कर लो बहुत ज्यादा फायदा होगा मटेरियल भी मिलेगा कंटेंट भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा एक स्ट्रेट पाथ में आप फॉलो करोगे जेके पे ऐसा का कोर्स अगर आपको लेना कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है आप ज्वाइन कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी